नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि कोई छात्र छात्रा गुजरात बोर्ड के माध्यम से कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और अन्य बोर्ड अन्य राज्य में यदि पढ़ना चाहता है और उसके लिए जो माइग्रेशन की आवश्यकता रहती है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, इसकी क्या शुल्क रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर गुजरात के से यदि आपने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और आपको माइग्रेशन की आवश्यकता है, तो माइग्रेशन के लिए आप घर बैठे कैसे आवेदन करोगे, तो उसके लिए दोस्तों हमें गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल से बोर्ड वेबसाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी, कुछ इस तरीके से। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल साइट, ये आपको इस तरीके से आपको जानकारी दिखेगी। तो यहाँ पर हमें माइग्रेशन के लिए आवेदन करना है, तो जो इधर हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड का बोला जा रहा है। यदि आपके पास रजिस्टर्ड यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप ये डालकर इसको लॉगिन कर ले, और यदि नहीं है तो रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है और सिंपल से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें सरनेम, नेम, फादर्स नेम, उसके बाद में जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, सिटी, एड्रेस, जो भी छात्र छात्रा का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर देना है, पिन कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों पुनः होम पेज पर आना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की लिंक पर पुनः क्लिक करना है, और जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी वही आपका यूज़र आईडी रहेगा, तो वो यूज़र आईडी दे, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर दे, कैप्चा कोड यहाँ पर, जैसे आप आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से राइट निशान दिखेगा, उसके बाद में सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, यदि आपका पासवर्ड आप भूल गए, आपको नहीं मिल रहा है, तो लॉज यूअर पासवर्ड पर जाकर आप अपने पासवर्ड भी यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो हम यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें चूज़ एग्ज़ाम फॉर्म बिलो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 10th पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th डुप्लीकेट मार्कशीट, 12th डुप्लीकेट मार्कशीट, जिसके लिए भी आवेदन करना है तो यहाँ पर दोस्तों हम 10th या 12th जिसका भी माइग्रेशन की आवश्यकता है उस वाले ऑप्शन को आपको सिंपल से क्लिक करना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पर आपको गुजराती में दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ से इसको इंग्लिश पर क्लिक कर ये लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, और ये आप जानकारी पढ़ ले, इसके जो भी निर्देश है ये निर्देश आप पढ़ ले। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है और सिंपल से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आपने पहले आवेदन कर रखा है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, सीट नंबर, नेम, सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी, और यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट का नाम दिखेगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो जानकारी दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर हमें सीट नंबर, जो भी आपके एडमिट कार्ड है, मार्कशीट पर सीट नंबर है, वो सीट नंबर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन पास मंथ एंड ईयर देना है, जो कि आपकी मार्कशीट के अनुसार आपको डाटा फिल करना रहेगा। उसके बाद में स्कूल इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना है, उसके बाद में स्कूल का नाम देना है, उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट फीस यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल चार्ज और टोटल शुल्क यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में स्टेट, जिला, तालुका, विलेज, सिटी, एड्रेस, ये जो है ये आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो जानकारी फिल की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और यदि कोई जानकारी फिल यहाँ पर शो नहीं होती तो वो जानकारी आप यहाँ पर फिल कर ले,
उसके बाद में मोबाइल नंबर दिखेगा, सारी जानकारी आप अच्छे से वेरीफाई कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले। उसके बाद में हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक चेकबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ यू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट फ्रॉम आउट साइड द स्टेट देन एड इंस्टीट्यूट नेम विद फुल एड्रेस। तो यदि आप गुजरात राज्य में पढ़ रहे थे और आप अन्य राज्य में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल में आपको एडमिशन लेना है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना है। आप देना चाहो तो दे, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद में दोस्तों हमें डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक करना है और सिंपल से सेव एज ड्राफ्ट पर हमें क्लिक करना है। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी दस्तावेज है, जैसे 10th की मार्कशीट, यदि आपके पास आप माइग्रेशन के लिए आवेदन करें तो जो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है वो मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में SLC स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में कॉपी ऑफ एडमिशन स्लिप स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि एनी वन फ्रॉम आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट ID या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक यहाँ पर स्कैन कर अपलोड करना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप सारे दस्तावेज अपलोड कर लोगे, दस्तावेज अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जैसे सबमिट करोगे तो कुछ इस तरीके से पेमेंट डिटेल्स होगी, जिसमें आपको सबसे पहले आवेदक का नाम यानी कि छात्र छात्रा का नाम, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में फीस पर मार्कशीट, यहाँ पर आपको जो हमने आपको पिछले वीडियो में पीछे बताया था वो फीस यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में इसका पेमेंट भुगतान करना है तो स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है और सिंपल से पे नाउ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, UPI, जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसमें स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेशन नंबर, अनपेड फीस, यदि आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर पे फीस लिखा हुआ आएगा और एप्लीकेशन नंबर भी शो होगा। उसके बाद में जो भी आपने जानकारी फिल की थी वो सारी जानकारी आपको शो होगी। और दोस्तों यदि आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए इसमें तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे, ये नंबर या ईमेल आईडी लिखी, इस पर भी आप फ़ोन लगाकर या मेल कर जो कि जानकारी की सहायता आपको लेना है वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हम ये वाले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्ट ये नंबर पर बात कर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट भुगतान करने के बाद में प्रिंट डिटेल पर क्लिक करना है। प्रिंट डिटेल पर क्लिक करने के बाद में जो रिसिप्ट है दोस्तों आपको सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में गुजरात बोर्ड के द्वारा जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से गुजरात बोर्ड के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं का माइग्रेशन की आवश्यकता है वो इस तरीके से आप घर बैठे आवेदन करें और घर बैठे आप अपना माइग्रेशन प्रमाण पत्र गुजरात बोर्ड का मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।